अब देखते हैं जरा मॉल दो जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, क्या वेस्ट को जो व्यक्ति मिस्ट्री मैन लगता है वहां ये जगह, इसकी मिस्ट्री भी अपने आप में रहस्यमय है बहुत ज्यादा। क्या मिस्ट्री ऑफ मोल्डोवा, जरा समझने की कोशिश करते हैं। मोल्डोवा पर कब्जे का मतलब क्या होगा अगर वाकई जो एप्रीहेंड किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से अगर वैसा होता है तो क्या होगा? नेटो पर खतरा बढ़ेगा। नेटो भी असल में, नेटो वैसे दिखाई ये दे रहा है कि वो एक तरीके से रूस को अभी अपने बढ़ते प्रभाव की वजह से कहीं बैकफुट पर रख रहा है और उससे प्रवोक होकर रूस अपनी काम कर रहा है, लेकिन नेटो भी उतना उतने संशय में है। अब देखिए, रोमानिया के करीब रूस पहुंच जाएगा, रोमानिया के एकदम करीब जब रूस पहुंच जाएगा तो ये नेटो के लिए भी, क्योंकि नेटो और यूरोपियन यूनियन का अप्रत्यक्ष रूप से दखल वहां है। काला सागर पर रूस का दबदबा बढ़ जाएगा, यह बात भी अपने आप में स्पष्ट है, क्योंकि फिर उसके बाद ओडिशा को कैप्चर करना और पूरी तरीके से यूक्रेन को लैंडलॉक कर देना यह मुमकिन हो सकता है। मोल्डोवा पर कब्जे का मतलब यह भी है कि काला सागर का बड़ा हिस्सा रूस के पास चला जाएगा और न सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए के हिसाब से यह माफी आएगा रूस के लिए, बल्कि यूक्रेन को एक तरीके से लाचार और पंगु कर देने के लिए और खुद पर निर्भरता बढ़ा देने के लिए यह मजबूर कर देगा। राष्ट्रपति पुतिन का रुकना नामुमकिन हो जाएगा उसके बाद। और उधर जो बाल्टिक कंट्रीज से लेकर तमाम ये जो नेटो कंट्रीज अभी तक डर उनमें दिखाई दे रहा है कि अब धीरे धीरे वो यूएसएसआर जैसी ग्लोरी लौटा पाए कि नहीं, लेकिन फिर भी वो बहुत सारे जो पहले के स्टेट्स हैं उनको साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस तरीके का जो डर है वो भी यहां पर दिखाई दे रहा है। मैं आपके पास आता हूं, संजय भारद्वाज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन ये बात मैं पूरी कर लूं। रूसी नौसेना की तरफ से बड़ी चुनौती बढ़ जाएगी जैसे जैसे इस ब्लू बैटलफील्ड में और ज्यादा से हो जाएगा रूस का, यहां पर सी ऑफ अजोव से लेकर ब्लैक सी तक। और मोल्डोवा नेटो मुल्क नहीं है और ना ही यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, जैसा मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था। लेकिन इससे असल में कौन ज्यादा डर रहा है? क्या पहले नेटो के लिए ज्यादा बड़ा एप्रिहेंशन है या खुद रूस के लिए और इसीलिए रूस वहां तक पहुंचना चाहता है? बहुत संक्षिप्त 30-30 सेकंड के कमेंट पहले मैं नीचे ले जाना चाहता हूं। के सिन्हा सर, देखिए मोल्डोवा इस फेज में होगा, इस स्पेशल ऑपरेशंस के दौरान होगा कि कब होगा, मेरे अनुसार कि थोड़े से पॉज के बाद ये आगे वाले समय में होगा, इस बार नहीं, इस बार वो नहीं चाहेंगे। हाँ, उन चीजों में डिफैक्टो तरीके से हो जाएगा, जिस तरह से डॉनबास के इलाके में एलपीआर डीपीआर की कॉन्सेप्ट जो आ गई थी 2014 में, उसकी नींव रख दी थी उन्होंने और उन्होंने अभी जाके किया है 2022 में। तो जो मोल्डोवा के अंदर में ये जो ट्रांस असल में क्लैरिटी यहां से दोनों तरफ से लैक कर रही है सर। देखिए, बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि यूरोपियन यूनियन का फॉर्मली हिस्सा है ये, क्यों? क्योंकि ईयू बैम की वहां पर प्रेजेंस है। अब सवाल ये है सर, एक सेकंड में ये समझना चाहता हूं कि यहां पर क्या ईयू और नेटो भी अप्रत्यक्ष रूप से मोल्डोवा को कंट्रोल करते रहे? संजय सर, यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।